नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल जिला में गेहूं की खेती को सबसे अग्रणी माना जाता है। कैथल जिला के अधिकतर किसान गेहूं की खेती के लिए खुश थे, क्योंकि इस बार मौसम अच्छा रहने की वजह से और ठंड ज़्यादा पड़ने की वजह से खेतों में गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी खड़ी है। इसकी वजह से गेहूं का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होने के आसार दिखाई दे रहे थे। इससे किसान भी काफ़ी खुश थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से अचानक बर्फीली और ठंडी हवाओं की वजह से गेहूं की फसल में पीला रतवा नामक बीमारी का प्रकोप दिखाई देने लगा है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आ रही है। जिला के ही प्रगतिशील किसान जसमेर सिंह ने कहा है कि इस बार मौसम काफ़ी अच्छा रहने की वजह से और सर्दी काफ़ी पड़ने की वजह से गेहूं का उत्पादन काफ़ी अच्छा होने की संभावना थी, लेकिन अचानक बर्फीली हवाओं के चलते गेहूं की फसल में पीला रतवा नामक बीमारी होने के आसार साफ नज़र आ रहे हैं। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कैथल जिला में काफ़ी खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है। इस समय बर्फीली और ठंडी हवाओं के चलने से गेहूं में पीला रतवा साफ नज़र आ रहा है। इस समय जिन किसानों ने गेहूं बीज रखी है, वो प्रतिदिन खेत में, विशेषकर गेहूं की अगेती खेती में क्षेत्र में जहां वृक्षों की छाया रहती हो और छाया पड़ती हो, उसका निरीक्षण लगातार करते रहें, क्योंकि छाया में खड़ी फसलों में पीला रतवा नामक बीमारी आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पीला रतवा की पहचान के लिए हमें गेहूं की पत्तियों को हथेली पर रगड़ते हैं तो उसमें हल्दी जैसा पीला रंग और पाउडर साफ हाथों में लग जाता है। यह लक्षण इस रोग की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसान विशेषज्ञों की राय लें। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। देखिए, अब की बार हर साल की बजाय ठंड ज़्यादा होने के कारण कणक बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों से जो ज़्यादा शीत लहर चली है, इसकी वजह से गेहूं में कुछ रोग जो पीला रतुआ के नाम से पुकारा जाता है वो आना शुरू हो गया है। लेकिन ये किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के और इसका छिड़काव कर करके इसको दूर किया जा सकता है, लेकिन अब की बार उम्मीद से भी ज़्यादा गेहूं होने की संभावना है। जैसे ठंड पड़ी है और अब ये जो बरसात हुई है दो दिन से, इसमें गेहूं को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। तो मेरी उम्मीद है कि अब की बार इस रतवा का जो ये रोग है, इसे छुटकारा पा करके गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी होगी। अब जो मौसम है वो शीतलहर का नहीं है, अब थोड़ा धीरे धीरे ठंड कम होगी तो ठीक है। यदि शीतलहर और ज़्यादा पहाड़ों की तरफ से आई तो इस जो ये रतुआ का रोग है, इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर कहते हैं, जो कृषि वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि ये इस फसल के अंदर स्प्रे करके इस रतुआ की बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। और वो आएंगे, उनको बुला करके दिखा करके जो भी वो उपचार कहेंगे वो अपनी कृषि के लिए करेंगे। देखो, हमारे कैथल ज़िले में गेहूँ का रकबा तकरीबन 1,71,000 हेक्टेयर है, और जिसे कि अब इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर है लो होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पीला रतवा आने की मैक्सिमम संभावना रहती है। तो जैसा कि इसके मेन पहचान कही, तो जैसे जो फार्मर वगैरह हैं, ये जो दवाई डाल देते हैं लीटर टॉपिक जो भी इसकी वीडिसाइड की, उसके कारण भी पीला फसल हो जाती है। लेकिन उसको सही पहचानने के लिए हमने सभी हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों को हमने उनको सचेत किया है, और फार्मरों को भी हम सुझाव देते हैं कि उसकी सही पहचान ये होती है कि पत्ते को हम रगड़ते हैं तो हल्दी जैसा पाउडर निकलता है। अगर वो हल्दी जैसा पाउडर हाथों के लगे तो इसका मतलब 100% वो येलो रस्ट है। उसको बचाने के लिए, बचाव के भी तरीके हैं, उसको बचाने के लिए वो पैचेज में आता है मोस्टली, उसको बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल दवाई है, 200 ml 200 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करें। अगर ज़्यादा अटैक आए तो उसका रिपीट करें, 10 या 15 दिन के बाद उसका दोबारा रिपीटेशन करें। हाँ, पीला रतवा, जैसे इसका ये फंगल डिजीज है, जैसे पहाड़ों की तरफ से जब हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं, मॉइस्ट एरिया, जहाँ मॉइस्ट एरिया है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे यमुनानगर अपनी तरफ है या पंचकूला है, उसकी तरफ से ये एरिया में इफेक्ट करती है मैक्सिमम। तो जैसे जैसे मैदानी इलाकों में आते हैं, तो इसका मेन रीज़न ये फंगल डिजीज है, और इसका एक बार चल जाए तो बहुत जल्दी जल्दी ये इफेक्ट डालती है, स्प्रेडिंग बहुत जल्दी होती है इसकी। हाँ, अगर पीला रतवे का अगर हम टाइमली कंट्रोल नहीं करें तो हमारी इल्ड पर कम से कम 50-60% ये इफेक्ट डालती है।
तो इसलिए इसका हमने सभी हमारे विभाग में सभी सचेत कर दिया है, हमारे कृषि विभाग सारा तैनात है इस पे, हर पग वहाँ हर जगह जाके उनको फार्मर के फील्ड पे जाके उनकी आइडेंटिफाई कर रहा है कहीं हमारे जिले में इसका प्रकोप तो ना हो जाए। हाँ, हम किसान भाइयों को कहते हैं कि अगर इस टाइप की जो हमने बताया आइडेंटिफिकेशन पीला रतवा की अगर ये सिम्टम दिखता है तो तुरंत कृषि विभाग के अधिकारियों से या कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे उनके साइंटिस्टों से मिलें और उसको तुरंत काबू करें।